I greet you with Islamic greetings. Assalamu alaikum. Dear friends, BA Part 2 English के जो basic notes हैं वो हम बना रहे हैं और आपके सामने उनकी presentation जारी है. आज हमारा जो है वो modern essay number 5 है. वैसे जिस तरह written exam होता है तो उस अंदाज में तो ये बहुत ज़्यादा important है, modern essay है. एम सी क्यूज़ की सूरत में भी अगर आए तो जाहिर है इसमें से लाजमी तौर पर एम सी क्यूज़ पूछे जाएंगे. एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है तो सबसे पहले इसका ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन, उसके बाद एम सी क्यूज़ जो है वो एक्सप्लेन करेंगे. नागासाकी जो मॉडर्न एसे हैं रिटन बाय मिकाइटे इचिमारो, बेसिकली एक जापानीज ही राइटर है. और उस वक्त जिस वक्त ये वाक़या पेश आया तो ही वॉज मेडिकल स्टूडेंट. उसने ये नागासाकी जो ऐसे लिखा और उसमें इतना डीपली और एग्जैक्ट अंदाज में उसने एक्सप्लेन किया क्योंकि वो बताता है कि वो ख़ुद उस वक्त आई विटनेस था, यानी चश्मदीद गवाह जैसे आप कहते हैं, ख़ुद जो आंखों से कोई वाक़या देखे उसके सामने ये वाक़या पेश आया. लेकिन बाय लक वो सेव रहा, वो बच गया. तो उसने बताया कि ये जो है तकरीबन सुबह 11 का वक्त था, 11 बजे का अमेरिका और अलाइड फोर्सेस जो है उन्होंने जापान पर आपने जो है वो न्यूक्लियर अटैक किया और इस अटैक के नतीजे में जापान के दो आप कह सकते हैं कि अजीम शहर, ऐसे अजीम शहर जो जापान की मेन पावर थे, जापान की तरक्की का राज था, जहाँ पर वो दोनों शहर जो है वो राख का ढेर बनकर और तबाह हो गए, उनमें नागासाकी और दूसरा हिरोशिमा है. और उसने बताया कि ये जो डिस्ट्रक्शन है, तबाही है, वो कह सकते हैं कि देखी जाने वाली नहीं थी. हर तरफ जो है वो ब्लडशेड था और हर तरफ जो है वो लोगों के मतलब खून के चीथड़े थे और इसी तरह बिल्डिंगें जो ज़मीन बोस हो चुकी थी. तो ये बहुत बड़ा कह सकते हैं कि इंसानी तारीख में अफसोसनाक वाकया है. जो न्यूक्लियर वेपन को वैसे तो यूज़ करना और ह्यूमन डिस्ट्रक्शन के लिए अलाउ नहीं है, अमेरिका ने ये काम किया और इस तरह जो है वो जापान जो है वो उसको तबाही का निशाना बनाया. लेकिन जापानीज एक ज़िंदा और जज्बा रखने वाली कौम है, उन्होंने फिर उसी राख के ढेर से फिर अपना जज्बा जो लिया और फिर मेहनत की और जो है वो तरक्की की बुलंदियों को छू लिया. तो हम देखते हैं इसके एम सी क्यूज़ हम क्या बना सकते हैं. सबसे पहले है कि डिस्ट्रक्शन वाज़ सीन इन टू सिटीज़ ऑफ जापान, नागासाकी एंड. ये जो तबाही हुई जापान के दो बड़े शहरों में हुई, एक तो नाम तो ऐसे का नाम भी है नागासाकी और दूसरा जो शहर है उसका नाम क्या है, उसका नाम हिरोशिमा है. बाकी दो तीन एमसीक्यूज़ में ऑप्शन दिए हैं लेकिन वो तो हमें जापान के सिटीज़ हैं ही नहीं, वो तो किसी बाकी और ममालिक के. हु डिड दिस अलाइड न्यूक्लियर अटैक ऑन जापान, यानी इतिहादी अफवाज थी लेकिन कौन सा वो मुल्क था, जो लीडर था जिसकी इतिहादी अफवाज ने ये तबाही जो है मचाई. उसमें इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और अमेरिका. अमेरिका ने जो है वो एटॉमिक पावर यूज़ की. राइटर इज़ आई विटनेस्ड व्हाट वाज ही दैट टाइम. राइटर क्योंकि आंखों देखा हाल बयान कर रहा है, वो कह रहा है कि मैं वहाँ पर मौजूद था, तो इस लिहाज से उस दौर में उसका क्या काम था, वो क्या करता था. टीचर था, डॉक्टर था, मेडिकल स्टूडेंट था, आईटी प्रोग्रामर था, एक मेडिकल स्टूडेंट. व्हेन डिड दिस इंसिडेंट टेक प्लेस, ये वाकया कब पेश आया. अगस्त 1945 में, जुलाई, जून, इस तरह. अगस्त 9, 1945. वर्ल्ड वार डेट वाज, यानी वो जो जंग अजीम थी, कौन सी जंग, पहली थी, दूसरी, तीसरी, चौथी, फर्स्ट वर्ल्ड वार थी, सेकंड वर्ल्ड वार थी, थर्ड थी, फोर्थ. थर्ड फोर्थ का तो अभी दुनिया में तो जिक्र ही नहीं है. तो सेकंड वर्ल्ड वार थी, दो जंगें दुनिया में बड़ी हुई हैं. वट वाज द टाइम ऑफ अटैक, अटैक का वक्त कौन सा था. 9 AM था. इन अटैक टू सिटीज वर लाइक, दोनों शहरों की क्या हालत थी, माउंटेन की तरह हो गए, एडवांस हो गए, न्यू हो गए, या फिर एशेस, यानी राख का ढेर बन गए. तो बड़ा आसान सा ये मॉडर्न एसे, इसको हम समझें और इसको मेमोराइज करें, कोई इसमें मुश्किल नहीं है. तो नेक्स्ट वीडियो के साथ अल्लाह हाफिज़.